आज नगर निगम के स्कूल 10वीं के मेधावी छात्रों का सत्कार महापौर दयाशंकर तिवारी इनके हाथों से किया गया। मार्च 21 सत्रांत के SSC बोर्ड के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए, जिसमें मनपा स्कूल के छात्रों ने बाजी मारी है। इस साल मनपा के स्कूलों के नतीजे में 99.93% है, जो काफी समाधान कारक होने की बात कहकर मेरिट आए छात्रों का अभिनंदन कर भविष्य के लिए शुभेच्छा दी। शुक्रवार को मार्च 21 सत्र के महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित हुए, जिसमें शहर के मनपा स्कूलों ने 99.93% उच्चांक के साथ बाजी मारी है। शहर के मनपा स्कूल के छात्रों ने विपरीत परिस्थिति में भी अपनी पढ़ाई लगन के साथ की है और परीक्षा की तैयारी की, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइंस आई और 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई। स्कूलों को इंटरनल असाइनमेंट के आधार पर मार्क्स देकर नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मनपा मराठी माध्यमिक स्कूल के सुहानी गोसावी भगत, मैरिस्टर शेषराव वानखेड़े मराठी माध्यमिक स्कूल के सलोनी महादेव कामरे, शिवनगांव मनपा मराठी माध्यमिक स्कूल की प्रीति शिवचरण गणवीर, सुरेंद्रगढ़ हिंदी माध्यमिक स्कूल की स्वाति मिश्रा, काजल शर्मा, रिजवाना खातून, खैरुद्दीन अंसारी, गांजीपेट मनपा उर्दू माध्यमिक स्कूल की बुशरा फातिम अजीज खान, MA के आजाद मनपा उर्दू माध्यमिक स्कूल की जिक्रा फातिमा अनवर सलील, सानी गुरुजी उर्दू माध्यमिक स्कूल की मसरत मो वकील, MA के आजाद मनपा उर्दू माध्यमिक स्कूल के अदीपा अनिस अंसारी रचा अनिस अंसारी, GM बनातवाला मनपा अंग्रेजी माध्यम स्कूल की सानिया परीन मोहम्मद इम्तियाज, लक्ष्मी अरुण कुमार चौहान, मोहम्मद हाशिर, मोहम्मद फसल, डॉक्टर आम्बेडकर मनपा मराठी माध्यमिक स्कूल की शिवम सिरसलाल उरकुड़े, बैरिस्टर शेषराव वानखेड़े मराठी माध्यमिक स्कूल की सलोनी कामरे, इन्होंने उच्चांक प्राप्त किए हैं। इन सभी छात्रों का फूल और मिठाई देकर महापौर ने अभिनंदन किया। महानगर पालिका विद्यार्थ्यांचे आज आम्ही जे 10वी पास झाले त्यांचा सत्कार केला, त्याचा ज्यांना उच्चांक मिळालेला आहे। महानगरपालिकेचा रिझल्ट जो आहे तो समाधानकारक आहे, कारण 99.93% हा महानगरपालिकेचा निकाल लागलेला आहे। हा निकाल कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आहे, तरीही महानगरपालिकेचे विद्यार्थ्यांनी घरी राहून जे परीक्षेची तयारी केली आणि विपरीत वातावरणामध्ये, कारण महानगरपालिकेच्या शाळेत शिकणारा जो मुलगा असतो त्याच्याकडे अँड्रॉइड फोन नसतो, त्याच्याकडे नेटपॅक नसतो, या सर्व विपरीत वातावरणामध्ये महानगरपालिकेच्या शिक्षकांच्या माध्यमातून संसाधन उपलब्ध करून त्यांच्यासोबत जे शिक्षण देण्याचा महानगरपालिकेच्या शिक्षकांनी प्रयत्न केला, ते सर्व केल्यामुळे महानगरपालिकेचा विद्यार्थी परीक्षेसाठी तयार होता। पण शासनाने परीक्षा नाही घेतली आणि नंतर शासनाने इंटरनल असेसमेंटच्या आधारावर हा रिझल्ट घोषित केला, त्याच्यात महानगरपालिकेचा हा रिझल्ट आलेला आहे। मागच्या वर्षीही महानगरपालिकेचा रिझल्ट 85% होता आणि यावर्षी नक्की वाढणार अशी आम्हाला खात्री होती, कारण आम्ही जे विभिन्न उपाययोजना महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांसाठी तयार केली होती त्याचा यांना बेनिफिट मिळणार होता। आमचे जे 100 चांगले विद्यार्थी आहेत त्यांच्या शिक्षणासाठी आम्ही क्रॅश कोर्सची सुद्धा व्यवस्था केली होती। फेब्रुवारी महिन्यामध्ये भिडे गर्ल्समध्ये त्याची सुरुवातसुद्धा झाली, पण करोना आल्यामुळे तेही आम्ही करू शकलो नाही। तरीही महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांनी जे रिझल्ट महानगरपालिकेचा सन्मान वाढवण्याकरिता आणला, त्याच्यासाठी त्यांच्या खूप खूप अभिनंदन करतो आणि त्यांना पुढील आयुष्यासाठी हार्दिक शुभेच्छा देतो। महापौर दयाशंकर तिवारी इन्होंने सभी छात्रों का अभिनंदन करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। इस समय महापौर ने कहा कि मनपा के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र प्रतिकूल परिस्थिति से आते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उनके पास सभी संसाधन उपलब्ध हो ये जरूरी नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कड़ी मेहनत कर छात्रों ने यह संपादित किया है, जो कि काबिल तारीफ है। हाल ही में जो है SSC बोर्ड के जो है रिजल्ट लगे हैं और अंग्रेजी माध्यम जो महानगर पालिका के अंग्रेजी माध्यम की स्कूल है पनात वाला, वहाँ की जो स्टूडेंट है सानिया, वो हाईएस्ट आई है, 95 मार्क्स आपको गिरे हैं। हम उनसे जानते हैं कि कोरोना काल में किस तरह से उन्होंने अपनी जो स्टडी है बरकरार रखी और इतने हाईएस्ट मार्क्स जो है अपने 95% जो है हासिल किए है, ये कैसे किए हैं क्या बताओगे? सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने सभी टीचर्स को, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारे प्रिंसिपल सर जी, हम लोग सब ने जो भी स्टूडेंट्स हैं सब ने ऑनलाइन ही स्टडी की है और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब हार्ड वर्क करते हैं तो
इसीलिए हम लोगों को इतनी सक्सेस मिली और हाईएस्ट मार्क्स मिला है, और जो साल भर की मेहनत थी उसी के इस पे हम लोगों को मार्क्स मिला है। ऑनलाइन स्टडी थी, इससे पहले जो है आप स्कूल में स्टडी करते थे, ऑनलाइन स्टडी में कैसे दिक्कतें आती थी, कैसे सॉल्व करते थे, क्या बताओगे? ऑनलाइन क्लासेस में बस यही प्रॉब्लम रहती थी कि हम लोग अपने डाउट्स सही से पूछ नहीं पाते थे, तो इसलिए हमारे प्रिंसिपल सर ने हम लोगों को बोला था कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो स्कूल में आकर एक हफ्ते में एक बार भी मिल सकते टीचर से पूछने के लिए, वहाँ पर भी डाउट्स क्लियर करते थे हम। क्या श्रेय दें, मतलब आपका जो ये श्रेय है किसको देना चाहोगे? आप इतने अच्छे मार्क्स जो आपने पाए हैं इसमें आपके पीछे आपके टीचर्स है, आपके घर के लोग हैं, किसे आप ये श्रेय देना चाहोगे? सब मेरे टीचर्स भी है और मेरी फैमिली जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, और हमारे प्रिंसिपल सर को भी और हमारे क्लास टीचर, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, बस उन्हीं को थैंक यू। आगे जो है इतने अच्छे मार्क्स पाए हैं तो आगे आपको क्या बनने की ख्वाहिश है? एक मतलब गोल होगा कि हाँ मुझे ये बनना है, ऐसा करके आपने कुछ तो पढ़ाई की होगी, क्या बताओगे? बस अभी मेडिकल का सोच रहे हैं, अभी आगे अगर और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम आगे सोच भी सकते कुछ और का। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको सानिया। ये थी हमारे साथ सानिया जो 95 मार्क्स के साथ महानगर पालिका के अंग्रेजी माध्यम से पास हुई और आगे चलकर ये डॉक्टर बनना चाहती है, मेडिकल फील्ड को ये जाना चाहती है। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।